हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का केस स्टडी है गीगावाइट के ऊपर। ठीक है, मैं दिखा दूं, ये है गीगावाइट का 41 सीरीज का मदरबोर्ड। इसका मॉडल नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर G41MT S2P। ठीक है, इसका रिविजन अब देख सकते हो। इसका रिवीजन है ये वाला 1.3। ठीक है, तो इसमें एक अजीब सा प्रॉब्लम है, चलो देख लेते हैं कैसा प्रॉब्लम है। चलो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने देखा बोर्ड को पहले, तो मुझे लगा कि एक वीडियो भी इसके ऊपर बना देना चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैंने इसका SMPS का पिन डाल दिया। अब मैं पावर दे रहा हूँ और एक डिबग कार्ड डाल देता हूँ। ठीक है, डिबग कार्ड डाल दिया मैंने, अब देख सकते हो आप। चलो अब स्विचिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने, ये है इसका फोन पैनल, स्विचिंग कर दिया। देखो कोड आया, ऑफ हो गया। बैठ आता हूँ, तो फिर से हम इसको स्विचिंग करेंगे, ट्रिगर करेंगे बोर्ड को। तो देख सकते हो, मैं यहाँ पर देखो, ये देखो मैंने कहाँ गया यार, एक सेकेंड, सॉरी। फिर से मैंने स्विचिंग किया, डिबग कार्ड पे देखो कोड आ रहा है, आके ही ऑफ, दोबारा चालू नहीं हो रहा है, मतलब इसका रिस्टार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से मैंने किया, ऑफ हो गया। पहले तो कोडिंग आके ऑफ हो रहा था, लेकिन अब जब भी मैं स्विचिंग कर रहा हूँ देखो 00 कोड ऑफ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 4PIN ATX है, किधर से दिखाऊँ मैं, दिख रहा है आपको, हाँ ये 4PIN ATX है, इसे मैंने खोल दिया। चलो खोल देता हूँ, एक बार ऑफ कर लेता हूँ बोर्ड को, और मैं एक बार शॉर्ट करता हूँ बोर्ड को, शॉर्ट कर दिया। अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ, अब मैं चला रहा हूँ। ठीक है, फिर से ऑन होके ऑफ हो गया। ठीक है, ये 41 का बोर्ड है, अगर 4PIN ATX ना डालो तो भी चलेगा। तो बात ये है, मुद्दे पॉइंट पे आते हैं, बात ये है, इसे भी खोल देते हैं 24 पिन को। तो हमारा जो बोर्ड है, ये बोर्ड, इसका ये गया VRM सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर ये इसका पार्ट गया VRM सेक्शन, ये तो सही है। और बाकी बीच के इस साइड में बोर्ड का लोअर सेक्शन होता है, प्राइमरी सेक्शन। तो हमारा प्रॉब्लम है इस सेक्शन में। तो बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है, इसका जो RSM रीसेट है वो बन नहीं पा रहा है, इसका पावर गुड्स में कोई इशू आ रहा है। तो ये बायस का इशू नहीं है, ये बायस देख सकते हो आप, अभी भी किसी ने भी रीड नहीं किया, इसे उठाया भी नहीं, रीड राइट नहीं किया, एकदम ओरिजिनल है। और ये बोर्ड सर्विस भी नहीं हुआ पहले, तो यहाँ पर देख सकते हो एक IC है, इसे क्लॉक IC बोलते हैं, ये भी सही है। इसका IO का पिन देख सकते हो आप, मैं दिखा रहा हूँ, क्लियर, इधर भी क्लियर, इधर भी प्रॉपर क्लियर, इधर भी प्रॉपर क्लियर, इधर भी, एकदम मैंने देख लिया, एकदम बिंदास है। फिर भी ये बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा है, क्यों? तो प्रॉब्लम एक ही है इस बोर्ड में, जो इसका RSM रीसेट है, जो RSM रीसेट हाई होके लो होके फिर हाई होता है, उसके बाद जाके बोर्ड चलता है। तो इस बोर्ड में कुछ इस तरह से हो रहा है कि बोर्ड का जो RSM रीसेट है, जो हाई होके लो हो रहा है, फिर हाई नहीं हो रहा है,
तब जाके बोर्ड ऑफ हो रहा है। तो इसका रैम का भी इशू नहीं है, सीपीयू का भी इशू नहीं है, बैटरी तो ठीक है, बीच का भी इशू नहीं है, पीसीएच का भी इशू नहीं है, एमसीएच का भी कुछ भी इशू नहीं है इसका, ग्राफिक्स जीपीयू का। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास बोर्ड आए, गीगाबाइट का हो, इंटेल का हो, आसूस का हो, कोई भी बोर्ड अगर आए जो 31 या 41 या 945 के सीरीज़ में, अगर ये 110 फॉर 61 81 का बोर्ड है तो रीज़न कुछ और होगा। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी 41 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो 41 31 945 रिलेटेड वाला बोर्ड, अगर ऐसे टाइप बोर्ड अगर आपके पास आए तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड ऑन होके डिबग कार्ड में कुछ कोडिंग वेरिएशन होके ऑफ हो रहा है, तो आपका प्रॉब्लम है इस आयो से। ठीक है, आयो देखने में एकदम क्लीन है, एक भी पिन में कोई मॉइस्चर नहीं है, रैश नहीं है, फिर भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आयो से, क्योंकि इसका मैं लाइव अभी दिखा रहा हूँ और रॉ फुटेज में दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं फिर से एक बार ऑन करता हूँ मोड को। ठीक है, ये ऑटो ऑन क्यों हो रहा है मेरा SMD? चलो इसे, ठीक है कोई बात नहीं, चलो साथ में रहो। और मैं फिर से बोट को पावर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ATX डाल दिया और मैं फिर पावर दे रहा हूँ बोट। मैं फिर से एक बार ऑन करके देखा था, पहले जिस कंडीशन में था वही कंडीशन में है बोट, देख सकते हो, देखो चलो ऑन हुआ, कोड वेरिएशन हो रहा है, बस C1 आके फिर जब जाके ये बोर्ड रैम पे जाएगा तब ये बोर्ड रैम मेमोरी पे जब जा रहा है तब ये बोर्ड ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहा है और रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। तो फिर से मैं ट्रिगर देता हूँ बोर्ड को, देख सकते हो अब कोड वेरिएशन हो रहा है, C1 पे जाके बंद। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रैम सेक्शन में कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है इसके कारण हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, और ये वीडियो सभी के लिए है, एक्सपर्ट हो या नया हो, ठीक है, तो फॉलो करो। ये देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, खाली है, ठीक है, देख लो। बस मैंने इस तरह से बोर्ड में हाथ रखा, इस आयो को मैंने बस प्रेस किया, जोर से प्रेस कर रहा हूँ आयो को। अब मैं बोर्ड को ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है, अब फॉलो करो एक सेकेंड। मैंने जोर से प्रेस किया आयो को, एक सेकेंड, हुआ नहीं। चलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्टन लगा हुआ है कैमरा का, तो मैं मेरी तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, जितना भी देख सकते हो आप देख लो, कोई बात नहीं। मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, मैं आयो के ऊपर जोर से प्रेस कर रहा हूँ और बोर्ड को ट्रिगर कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, एक सेकेंड, मैं अभी भी हुआ नहीं। मैंने बहुत ज़ोर से प्रेस किया है आयो पे, बहुत ज़ोर से, ठीक है, अब देख सकते हो कोडिंग आ गया, इससे डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है, 26 मतलब इसका डिस्प्ले भी आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले रेडी का LED जल रहा है। तो मैं अभी इसे छोड़ दूँगा, छोड़ दिया तो चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कीबोर्ड पर दिखा देता हूँ एक बार, डिस्प्ले इसका है जो, मैं छोड़ दिया फिर भी चल रहा है, ठीक है, तो देख सकते हो आप मेरा कीबोर्ड पे इसका डिस्प्ले आ चुका है, आ गया, ये देख सकते हो आप। तो बात कुछ इस तरह सा है, हर चश्मा पहनने वाला गांधी जी नहीं होता है, बात कुछ इस तरह सा है। तो मैं ऑफ कर देता हूँ बोट को और फिर से मैं चला रहा हूँ बोट को, एक बार ऑन करके मैं दिखा दूँ। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई नया बंदा होगा तो ना जाने कहाँ कहाँ हीट कर देगा और बोर्ड का राम नाम सत्य हो जाएगा। देखो फिर से मैंने चलाया C100, अब तो चल रहा है, ठीक है, मैंने आयो के एक बार जोर से प्रेस किया, चल रहा है। तो मैंने पहले भी बोला था कि हर चश्मा पहनने वाला गांधी जी नहीं होता है, तो इसे ऑफ करते हैं। मैंने इसलिए बोला हर चश्मा पहनने वाला गांधी जी नहीं होता है, मैं दिखाता हूँ, कीबोर्ड को खोल दिया,
इसका आयो का एक भी ऐसा पिन नहीं है जिसमें मॉइस्चर है या फिर रैश है, ठीक है? आप देख सकते हो क्लियरली मैं दिखा रहा हूँ। और इसका आयो खराब भी नहीं है, ठीक है? अगर खराब होता तो डिस्प्ले ही नहीं आता या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता। इसका आयो भी सही है, यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है, फिर भी इसका कोई ना कोई पिन ट्रैक से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है? डिस्कनेक्टेड मतलब शोल्डरिंग तो किया हुआ है, अभी भी किसी ने आयो पर हीट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, ये फ्रेश आयो है एकदम। तो किसी भी पिन से कनेक्शन लूज़ हो रहा है जिसके कारण इसका RSM रीसेट बन नहीं पा रहा है, वो हाई होके, हाई से लो होके फिर हाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो साथ में रहिए, मैं थोड़ा सा इसको हीटअप करूँगा, उसके बाद देखेंगे ये प्रॉब्लम कंटिन्यू सॉल्व होता है कि नहीं। अगर सॉल्व हो गया तो ये वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है, यूट्यूब में। तो अभी मैं SMD को ऑन कर दिया, फुल एयर फुल हीट, ओके। तो ना जाने मुझे 16 मिनट से पहले वीडियो ख़त्म करना है, क्योंकि 16 मिनट जाने के बाद ये जो गूगल कैमरा होता है मेरा वीडियो कट हो रहा है, इसलिए पिछले जो आसूस का 110 का वीडियो था वो मेरा कट हो चुका है। वो लास्ट में मैंने डिबग कार्ड का एक कोडिंग दिखाया था जो कीबोर्ड के पीछे था, वो TL611 Pro वहाँ पर डाल के, तो बाद में देखा वो उतना रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। 16 मिनट के बाद जो भी मैंने किया 4-5 मिनट वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो मुझे 16 मिनट से पहले ये वीडियो ख़त्म करना है, नहीं तो फिर से दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा ये वीडियो। तो मैंने दे दिया हीट, जल्दी से दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट डाल रहा हूँ, चारों साइड में मैं फ्लूक्स डाल रहा हूँ। चलो डाल दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा हीटअप कर दूंगा, ठीक है? अब देख सकते हो इसका आयो खराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पिन का कनेक्शन नहीं मिल रहा है प्रॉपर। ये कौन सा पिन का कनेक्शन नहीं मिल रहा है ये तो मुझे भी पता नहीं है, कुछ स्कीमेटिक देख के बताना पड़ेगा जो जिस पिन से ये RSM रीसेट का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई भी पिन हो सकता है, पर्टिकुलर अभी मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता ये कौन सा पिन है, लेकिन है। आपको बस इतना करना है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए आपके पास 41 के अंदर, 3141 के बोर्ड में, तो आप आयो को एक बार प्रॉपर शोल्डरिंग करें। अगर मॉइस्चर है तो उसे आयरन से शोल्डरिंग करके फिर जाके थोड़ा सा SMD से हीट दे, पेस्ट दे के। पहले SMD ना मारे, क्योंकि इसका आयो क्लीन है, इसीलिए मैं पहले SMD से हीट दे रहा हूँ। तो ऐसा करें आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे हीट थोड़ा सा बढ़ाना है, हीट नहीं मिल रहा है। 13 मिनट हो गया वीडियो, तो डर लग रहा है वीडियो कट ना हो जाए, फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। और ये अगर एक बार फिक्स हो गया तो फिर से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। चलो रख देता हूँ अभी के लिए, बस हो गया। तो थोड़ा सा फटाफट क्लीन कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ठंडा कर लेता हूँ। कॉटन ले लेता हूँ, क्लीन में बाद में करता हूँ इसे थिनर से। तो पहले मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक से एक बार हीट करना पड़ेगा। चलो दे दिया, अब डिबग कट को लगाते हैं, देखते हैं एक बार में डिस्प्ले आता है या नहीं। दे दिया, चलो स्विचिंग करते हैं, ठीक है? चलो मैंने स्विचिंग कर दिया। चलो ये बोर्ड अब ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है? 626 मतलब इसका डिस्प्ले आ चुका है। तो मैं 16 मिनट के पहले मैं दिखाना चाहूँगा एक बार आप लोगों को, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। और ये इसका कीबोर्ड पे तो डिस्प्ले आ चुका है, मेरे को दिख रहा है। और बीजिए बीजिए कहाँ गया इसका, बीजिए 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 इसका, बीजिए इसका मॉनिटर ऑन कर दो।
अब देखो बोर्ड ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हो प्रॉपरली सॉल्व हो गया है और यहाँ पर भी चल रहा है। तो एक बार मैं और एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ बोर्ड को, देखो मैंने रीस्टार्ट कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो आप ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है अब देख सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा ट्रिक या जो भी कहो। तो आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो ऐसे आप बोर्ड को फिक्स कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बस अभी के लिए इतना ही, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।